Well, good morning everyone once again. And today we will start with our first unit, and first of all I'll list out the topics that we are supposed to discuss in this unit, and then we'll proceed further. Okay, so let me introduce you with the subject first. The subject is public finance. You know, let's write a few lines about that. Subject is public finance. Now the question is what does public finance means? Yes, आप में से कोई बता सकता है public finance का मतलब क्या है? Hello? Hello? Student? Financing through public. अच्छा, financing through public. Anything else? Yes? Anybody else? Anyways, let's start. देखो बेटे, टॉपिक का नाम है पब्लिक फाइनेंस. अब यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास हैं. एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं पब्लिक, और दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं फाइनेंस. दैट मींस जो पब्लिक वर्ड है, आपने देखा होगा दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं. एक हम कहते हैं प्राइवेट और एक कहते हैं पब्लिक या समटाइम्स गवर्नमेंट. गॉट इट? तो जो बेसिकली जो प्राइवेट वर्ड जो यूज़ किया जाता है, प्राइवेट वर्ड हम यूज़ करते हैं बेसिकली इंडिविजुअल एंटिटी स्पेसिफिक. इंडिविजुअल एंटिटी स्पेसिफिक मतलब कि राम है, एक कोई इंडिविजुअल राम है, राम ने अपने फंड्स यूज़ किए हैं किसके लिए? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जेशन को या इंस्टीट्यूशन को या फॉर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए. तो जो फंड्स यूज हुए हैं वो सिर्फ अकेले राम के हुए हैं, या इसने जो ऑर्गेनाइजेशन बना ली, सपोज करो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, अब इसने ये फर्म बना ली, अब इस फर्म को प्रॉफिट होने लग गया, तो इस फर्म ने जो अपने प्रॉफिट थे उन्हीं को री इन्वेस्ट करना शुरू किया, या री इन्वेस्ट करके या तो सेम फर्म में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या उन्होंने कोई एक नई तरीके का कोई बिजनेस शुरू किया. तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई, जो राम के फंड से और राम ने जो ये की, इसमें जो प्रॉफिट होगा वो भी राम का, और जो लॉसेस होंगे वो भी राम ही बियर करेगा, और जो फंड्स गैदर करने की जो जिम्मेदारी थी कि पैसा किसका है, राम का, चाहे किसी इसने किसी से बोरोइंग क्यों ना की हो, इसने किसी से बोरो ही क्यों ना किया हो, अगर इसने बोरोड फंड्स यूज किए हैं तो वो फंड्स को ये रीपे करेगा, तो रीपे करने की जिम्मेदारी किसकी है? राम की. तो जो प्राइवेट वर्ड हम यूज करते हैं वो इंडिविजुअल एंटिटी स्पेसिफिक होता है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी ने अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया, तो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया, चाहे सेम फॉर्म में किया हो चाहे किसी और बिजनेस फॉर्म में किया हो, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी, या उसको हम प्राइवेट फंड्स ही बोलेंगे. क्यों? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल एंटिटी से कनेक्टेड है या इंडिविजुअल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स. यस सर. यस सर. ठीक है, तो वहां हम यूज करते हैं प्राइवेट वर्ड. ठीक है, अब आ जाते हैं हम पब्लिक. अब पब्लिक का मतलब यहां पर क्या है? पब्लिक का मतलब पब्लिक से ही है, लोग, समाज जो है. अब गवर्नमेंट कैसे चलती है, पहले इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं.
सपोज करते हैं ये हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ पर एमपीज हैं, डिफरेंट एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भी एमपीज हैं जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बोलते हैं, इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू ये इलेक्ट होके यहाँ पर मेंबर्स बनते हैं सभी लोग, इलेक्शन के थ्रू मेंबर बन गए, अब डिसीजन मेकिंग जो है वो किसकी है, पार्लियामेंट की है, कि डिसीजन मेकिंग कोई भी लॉ कोई भी रूल बनेगा ठीक है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग कहाँ से होगी, पार्लियामेंट में होगी। अब पार्लियामेंट में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कि पार्लियामेंट में डिफरेंट पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मान लो कोई एक्स पार्टी है, कोई वाई पार्टी है, कोई जेड पार्टी है, जैसे रियल लाइफ में हम देखते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी अलग अलग छोटी शिवसेना है, बहुत सारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके एमपीज इलेक्ट होते हैं, यहाँ आते हैं। अब सवाल है भाई मिक्स हो गए यहाँ तो आके, कि इस पार्टी के भी एमपीज होंगे, इस पार्टी के भी एमपी होंगे, इस पार्टी के भी एमपी होंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल अब सवाल यह है, सभी पार्टीज के एमपीज आ गए तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा, तो यहाँ पर लोकसभा का सॉरी पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा होता है प्रेसिडेंट, जो कंट्री का प्रेसिडेंट कहलाते हैं ठीक है। अब प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने गवर्नमेंट बनवानी है क्योंकि ये राजा हैं एक तरीके से, और ये गवर्नमेंट को चलाएंगे, इनके बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर काम करता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, उसकी जवाबदेही होती है पार्लियामेंट में। तो अब क्या होता है कि भाई मान लीजिए वाई पार्टी था, तो यहाँ ये होता है कि भाई किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो ये सारे ये सभी लोग मिलकर जितने भी एमपीज हैं, ये जितने भी ये एमपीज हैं, ये सभी मिलकर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं कि हम किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेंगे ठीक है। अब सवाल है कि यहाँ पर भी इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, तो वोटिंग यहाँ वैसी वोटिंग नहीं होती है, यहाँ वोटिंग किस तरह से होगी, कि होना तो इस तरह से भी चाहिए कि जैसे ये सारी पार्टीज पॉलिटिकल चुन के आ गई, इनमें से इस मान लो यहाँ पर मान लीजिए हमारी है टोटल है मेरे ख्याल से 500 कुछ सीटें हैं, 500 250 सीटें लोकसभा की है, और 500 कुछ सीटें इसकी लोकसभा की है, 545 है शायद, और 200 कुछ 43 के आसपास, या पता नहीं 250 के आसपास, एक बार चेक कर लीजिए, वो हमारी जो सीट्स हैं वो राज्यसभा में हैं ठीक है। तो टेक्निकली तो होना ऐसा चाहिए कि भाई लोकसभा के लिए इलेक्शन हुआ, यहाँ पर जो जितने 545 लोग चुने गए वो इनमें से बताएंगे किस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पर प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या होता है, क्योंकि इनकी अपने आपस में राइवलरी भी होती है पार्टीज की, इस पार्टी की इससे, इसकी इससे, तो वो ये चाहते नहीं कि इसमें बने या इसका प्राइम मिनिस्टर बने या इसका प्राइम मिनिस्टर बने ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली देखने को क्या मिलता है, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, लार्जेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी मतलब जिसके सबसे ज़्यादा, जिस पार्टी के एमपी सबसे ज़्यादा हैं, उस पार्टी को प्रेसिडेंट क्या करता है, इनविटेशन या एक तरीके से ऑफर करता है कि भाई आप गवर्नमेंट बनाने के लिए आगे बनिए, फिर वो लोग कहते हैं कि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसको हम चाहते हैं आदमी प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर आगे काम चलाता है। तो जब ये लोकसभा चलती है इस तरह से, तो लोकसभा का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होती है गवर्नमेंट। अब सवाल है एमपी बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अब लोकसभा राज्यसभा में जो गवर्नमेंट बनी, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिफरेंट मिनिस्टर्स बनाए, मिनिस्टर वन, मिनिस्टर टू, एंड ऐसे ही डॉट 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 मिनिस्टर एन। प्राइम मिनिस्टर जितने चाहे उतने अपने साथ एसोसिएटेड मिनिस्टर्स बना सकता है, जिसको हम
आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर सुनते हो ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में कैबिनेट वर्ड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में है काउंसिल, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। एक तरीके से पार्लियामेंट ने कहा कि भाई ये सब लोग मिलकर, अब देश चलाना कोई आसान काम तो है नहीं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरह के सेक्शंस है, अलग अलग तरह के सेक्टर है जहाँ पर काम करना है, तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट रोज़ रोज़ तो डिसीजन ले नहीं सकती है। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है और डिफरेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कि लोकसभा के बिहाफ पर, और क्योंकि लोकसभा में पब्लिक से इलेक्शन हुआ है तो पब्लिक के बिहाफ पर वो एक्ट करते हैं। तो जो ये मिनिस्टर्स बनते हैं इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो यस सर। स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट कहलाती है, ये गवर्नमेंट बन गई, अब ये गवर्नमेंट चलेगी कैसे? भाई देश के बहुत सारे काम करने हैं, किसी के घर का काम तो है नहीं, समाज के लोगों के लिए काम हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट चलेगी कैसे? तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है जिसको हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्या, अभी तो मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। तो अब गवर्नमेंट आपको मालूम होगा हर साल जो होता है फरवरी के मंथ में, फरवरी मार्च के मंथ के आसपास हर साल क्या है, बजट अनाउंस होता है, यस और नो? यस सर, यस सर, तो फर्स्ट अब टाइम। क्योंकि क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बनी है, क्योंकि ये लोकसभा लोगों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो इनको अपनी मर्जी से किसी पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो अधिकार लेने के लिए क्या है, पार्लियामेंट। आपको मालूम होगा कोई भी लॉ बनाने से पहले ये पार्लियामेंट में बहस कराते हैं, वहाँ पर डिस्कशन होता है, तब जाकर वो लॉ कोई बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनको पैसा खर्च करना होता है, क्योंकि एक साल तक गवर्नमेंट चलानी है, पूरे एक साल तक गवर्नमेंट चलानी है, तो एक साल तक गवर्नमेंट चलानी है तो उसके लिए गवर्नमेंट में जो जो खर्चे होंगे उन खर्चों के लिए प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को इसकी लोकसभा से यानी कि पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब वो जो परमिशन लेनी पड़ती है उस परमिशन लेने को ही हम बोलते हैं बजट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। बजट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना बजट पेश करती है कि हम ये खर्चे करेंगे, यहाँ यहाँ से इतना इतना रेवेन्यू आएगा, इसी सेक्टर में हम इतना इतना खर्च करेंगे, हमें परमिशन दी जाए। तो लोकसभा में बजट पेश होता है और फिर उस बजट को लोकसभा या राज्यसभा जो भी है, पार्लियामेंट जो होती है वो अप्रूव करती है। ठीक है, जब ये अप्रूव कर लेती है पार्लियामेंट इस बजट को, तो वो बजट यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास यानी कि मिनिस्टर्स के पास अब परमिशन हो गई कि भाई हमने ये खर्चा करना है इस जगह पर, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स जो भी होते हैं वो उस खर्चे को पूरे साल भर करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि भाई पूरे साल खर्च को हमें चलाना है, तो ये जो खर्च चलाना है, क्योंकि ये टैक्सेस का टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा है, टैक्स कौन देता है, पब्लिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टैक्स कौन पे करता है, पब्लिक। पब्लिक से ही पैसा कलेक्ट किया गया और पब्लिक के ऊपर ही पैसा खर्च किया जाएगा। तो जो ये सिस्टम है ना कि पब्लिक से लोगों से टैक्सेस की फॉर्म में पैसा लिया और लोगों से ही टैक्सेस की फॉर्म में लेकर डिफरेंट एवेन्यूज पर पैसा खर्च किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं पब्लिक। इसलिए हम यूज करते हैं वर्ड पब्लिक कि दिस इज नॉट द मनी ऑफ एनी इंडिविजुअल एंटिटी, दिस इज द मनी दैट हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड और अ पूल ऑफ फंड्स दैट हैज बीन मेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस बाय द पब्लिक, हैज दैट टैक्सेस और दैट पूल ऑफ फंड्स हैज टू बी स्पेंट ऑन द
वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और द सोसाइटी इन जनरल, तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम में यानी कि जो हम खर्च भी करेंगे लगाएंगे भी, इसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। इज दैट ओके? हेलो यस सर। हेलो बेटे, समझ आया है पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है और उसको पब्लिक फाइनेंस क्यों कहते हैं हम लोग? हाँ बोलिए। बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, कोई सवाल है इससे रिलेटेड? हेलो नो सर। स्टूडेंट्स कोई सवाल है? नो सर। ठीक है, नो सर। चलिए अब आता है आगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू सी इज अ फर्म। अब सवाल ये है कि अब हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। सब्जेक्ट मैटर में हमें इसमें तीन चीजें पढ़नी है। एक तो सबसे पहले आता है मोड्स ऑफ एनालिसिस, मोड्स ऑफ एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मोड्स ऑफ एनालिसिस। मोड्स ऑफ एनालिसिस मीन्स व्हाट आर द क्वेश्चंस वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक। द फर्स्ट थिंग that we are supposed to see is what criteria should be applied when one is judging the merit of various budget policies। कि सबसे पहला सवाल जो हमें समझने की जरूरत है मोड्स ऑफ एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, कि भाई हमें वो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहिए किसी भी बजटरी पॉलिसी की। बजटरी पॉलिसी मतलब पब्लिक पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है उसको जज करने के लिए कि भाई वो जो पॉलिसी बनी है वो किस वजह से बनी है, किस लिए बनी है या उसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो उसको जज करने का हमें क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज जो है, जो क्वेश्चन हमें स्टडी करना है वो है कि भाई व्हाट आर द रिस्पॉन्सेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू वेरियस फिस्कल मेजर्स। Such as tax and expenditure changes। ये सबसे पहले आता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर का यानी कि पब्लिक का, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है किस चीज़ में। कोई भी अगर आप फिस्कल पॉलिसी मेजर लेते हो, फिस्कल पॉलिसी मेजर क्या होता है आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा? यस, फिस्कल पॉलिसी में दो डिसीजन, इसको हम टैक्सेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, दैट यू ऑलरेडी नोस इन योर ड्यूरिंग योर मैक्रो इकोनॉमिक कोर्स वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग। फिस्कल पॉलिसी में दो ही चीज़ें हैं, टैक्सेस जिसको हम
टी से डिनोट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और अनदर वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसको आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बोल रहे हो, जिसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कह रहे हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हो तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलते हैं। दैट इज बींग रिप्रेजेंटेड बाय जी, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये टैक्सेस है और ये जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो अब जो हम टैक्सेस में कोई भी चेंज करें या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई भी चेंज करें तो प्राइवेट सेक्टर का उसको लेकर क्या रिस्पॉन्स रहता है, यानी कि हाउ इट बिहेव, यू नो, दैट इज द थर्ड आस्पेक्ट दैट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। एंड लेट अस प्रोसीड विद द फोर्थ वन, और सॉरी थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द रिस्पॉन्सेस, व्हाट आर द सॉरी व्हाट आर द सोशल पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस विच हैव शेप्ड शेप द प्रेजेंट फिजिकल इंस्टीट्यूशन। एंड विच हैव डिटरमाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी फिस्कल पॉलिसी। द थर्ड आस्पेक्ट दैट वी आर सपोज टू डिस्कस इज कि व्हाट आर द सोशल पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस, कि सोसाइटी के एंड से, पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से वो कौन सी फोर्सेस है जिसने हमारी कंट्री के या किसी भी कंट्री के फिस्कल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया है। देखो, चाहे हमारा बजट बनता है, चाहे हमारी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, चाहे कोई पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए पॉलिसी आती है, तो उसमें तीनों चीज़ों के एस्पेक्ट हम देखते हैं कि सोशल पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं। सोसाइटी पास्ट में जैसी थी उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं उसी के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस किसी भी इकोनॉमी में इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो जैसे जो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, या मान लीजिए हम कह रहे हैं टैक्सेशन के लिए है, हम कह रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर है, हम उसको वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे, तो ये जो कंसेप्चुअल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बन रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस आज प्रेजेंट स्टेट में हैं हमारी, उनको बनाने के लिए सोशल पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कौन कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने काम किया। दूसरा है कि जो वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल सोशल हिस्टोरिकल, जो हमारी आजकल की कंटेम्प्रेरी फिस्कल पॉलिसी का डिटरमाइन करती हैं, यानी कि जिनके हिसाब से हम आज भी फिस्कल पॉलिसी बना रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि वो किस तरह की आइडियोलॉजी है, किस तरह की सोच है जो हम इस तरह के आज ये काम कर रहे हैं। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है आप में से किसी ने? हेलो स्टूडेंट्स। नो सर। चलिए, अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं, एक एक करके, कि क्वेश्चन नंबर वन क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर वन है कि भाई
What criteria should be applied when one is judging the merits of various budgetary policies? कि अब हमें budgetary policies की merits को judge करना है first point के regard कि कोई भी budgetary policy बनी तो उसमें किस तरह से हम judge कर पाएंगे कि भाई वो जो भी हमारी country में policy बनी वो सही है या गलत है या किस तरह की उसकी merit क्या है उसकी importance क्या है उसको किस तरह से लोग देख रहे हैं तो उसमें देखो दो तरह का एनालिसिस होता है बेटे एक होता है पॉजिटिव और दूसरा कहलाता है नॉर्मेटिव पॉजिटिव जो हम बोलते हैं पॉजिटिव का मतलब है जो ये स्टडी करता है व्हाट इज या व्हाट वाज एक्सेट्रा यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट को स्टेट ऑफ अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है दैट इज अ पॉजिटिव उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं या पॉजिटिव एनालिसिस बोलते हैं यानी कि पॉजिटिव एनालिसिस मतलब जो फैक्चुअल बताए जो फैक्ट बताए उस तरह के एनालिसिस को हम पॉजिटिव एनालिसिस कहते हैं कि ये चीज है जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है पॉजिटिव क्योंकि इंडिया की ये स्टेट है यानी कि ये प्रेजेंटली इंडिया एक डेवलपिंग सिचुएशन में ही है कि वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव एनालिसिस हो गया इसी तरह होता है नॉर्मेटिव एनालिसिस में जो हम स्टडी करते हैं व्हाट ऑट टू बी What ought to be or should be? What ought to be या should be? यानी कि क्या होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ये बताता है कि सजेस्टिव ये नेचर में सजेस्टिव होता है सजेस्टिव मतलब इस तरह से हमें करना चाहिए इस तरह की ये चीज होनी चाहिए तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देखो ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया शुड बी अप्लाइड व्हेन वन इज जजिंग द मेरिट्स ऑफ अ वेरियस बजटरी पॉलिसीज अब हमें बजटरी पॉलिसीज की मेरिट्स को जज करना है तो अब मुझे बताओ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप में से कौन बताएगा मुझे कि हमें पॉजिटिव एनालिसिस करना चाहिए नॉर्मेटिव एनालिसिस करना है प्लीज टेल मी हेलो स्टूडेंट्स नॉर्मेटिव करना चाहिए क्योंकि हमें वहां जजमेंट करनी है ठीक है तो अगर आप अपनी रीडिंग्स लेंगे और उसमें देखेंगे तो इस यूनिट में जो नेक्स्ट चैप्टर है हालांकि वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उसका मतलब उस चैप्टर यही है नॉर्मेटिव एनालिसिस ये अगले चैप्टर का नाम ठीक है हेलो ठीक है अब पॉलिसीज को हमें इवेल्युएट करना है कैसा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए का मतलब क्या है कि वी हैव टू वन हैज टू सेट स्टैंडर्ड्स भाई कैसा होना चाहिए कि पहले तो आप एक स्टैंडर्ड बताओगे ना कि भाई इस तरह का होना चाहिए तभी आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ मेजर करोगे इजंट इट कंपेयर करोगे हेलो यस सर बच्चे समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को तो पहले आपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं और उस स्टैंडर्ड को सेट करके आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी है और जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे उसके साथ तो आप इवेल्युएट कर पाओगे तो इसके बेसिस पर आप क्या करोगे इवेल्युएशन क्या मेरी बात समझ में आ रही है हेलो इवेल्युएशन किया yes, जाएगा तो इसलिए जब भी कोई हमारी कंट्री में जैसे 5 ईयर प्लान्स होते थे बनते थे पहले अब तो 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते हैं क्योंकि प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया मतलब प्लान्स तो बनेंगे पर प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया जो उसको बनाता था अब नीति आयोग हो गया तो अब जो ये प्लानिंग या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं या गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो जो हम वो प्लान करते थे तो उसमें पहले हम स्टैंडर्ड ही सेट करते थे नॉर्मेटिव ही लेकर चलते थे कि हम इतना टारगेट अचीव करेंगे फिर
फिर एक्चुअल में परफॉर्मेंस होती थी कि इकोनॉमी वर्क करती थी उस डायरेक्शन में, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आती थी उसके साथ हम मेजर करते हैं, एवेल्युएट कि हम उस प्लान के अकॉर्डिंगली उनको अचीव करने में सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हेलो, यस ठीक है। अब सर, यस सर। इसी तरीके से जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि दिस वन कि व्हाट क्राइटेरिया शुड बी अप्लाइड व्हेन वन इज जजिंग द मेरिट्स ऑफ बजटरी पॉलिसी। ठीक है, अब सेकंड हम देखेंगे व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू वेरियस फिस्कल मेजर्स सच एज टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स। नाउ विल डिस्कस द सेकंड वन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और फिर उसको देखते हैं कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। कहता है व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू वेरियस फिस्कल मेजर्स सच एज टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट क्या अलग अलग तरह के टैक्स लगा देती है, जैसे कि जो अगर फर्म्स होंगी तो फर्म्स के ऊपर लगेगा कॉरपोरेट टैक्स, या जिसको आप लोग प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हो समटाइम्स। ठीक है, और जो हाउस होल्ड्स हैं या मान लीजिए इंडिविजुअल्स हैं, उनको बियर करना पड़ता है व्हाट डू यू कॉल इट, जिस तरह से सेल्स टैक्स हो गया, उनको बियर करना पड़ेगा सेल्स टैक्स, इनको कॉरपोरेट टैक्स, इनको बियर करना पड़ेगा सेल्स टैक्स, यस और नो? अब सवाल यह है, गवर्नमेंट जब ये टैक्सेस को डिटरमाइन कर रही है, जिस टाइम गवर्नमेंट इनको डिटरमाइन कर रही है, तो गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इन टैक्सेस के फाइनल बर्डन किस पर आएगा, क्योंकि जिस पर फाइनल बर्डन आएगा वही रिस्पॉन्ड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस पर फाइनल बर्डन आएगा उसका रिस्पॉन्स मैटर करता है। अब मान लीजिए सेल टैक्स लगा, अब सेल टैक्स लगता है, टैक्स लगता है कोई भी, मान लीजिए जैसे मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, तीन तरह के कंसेप्ट होते हैं, इसको समझ लीजिए जरा एक बार, फिर आगे हम देखते हैं। एक टर्म होती है बेटे इंपैक्ट ऑफ टैक्स, एक होती है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन। एक टर्म होती है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स। इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन, मींस लीगली ऑन हुज शोल्डर इट इज बीइंग इम्पोज्ड, कि भाई टैक्स किसे पे करना है। मींस अगर गवर्नमेंट ने, सपोज करो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये है गवर्नमेंट, ये है फर्म, ये है यहां पर पब्लिक, लोग, मान लीजिए इंडिविजुअल वन, इंडिविजुअल टू, इंडिविजुअल थ्री, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सारे लोग हैं, पब्लिक है। अब मान लीजिए इनकम टैक्स लगा है, इनकम टैक्स इंपोज किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने क्या इंपोज किया, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इंपोज किया किसके ऊपर, इनकम टैक्स इंपोज किया इस इंडिविजुअल थ्री के ऊपर। मेरी बात को ध्यान से समझना, तो जो इनकम टैक्स इंडिविजुअल थ्री के ऊपर इम्पोज किया,
तो अगर इनकम टैक्स डिपॉजिट नहीं हुआ गवर्नमेंट के अकाउंट में, या इंडिविजुअल थ्री जो है उसने इनकम टैक्स को डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट किससे किसको क्वेश्चन करेगी? हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ये किससे पूछेगी कि भाई आपने टैक्स जमा किया या नहीं किया? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सर, जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन पे करने की। मैं पूछ तो रहा हूँ कि अगर इनकम टैक्स इंडिविजुअल थ्री पर लगा है, तो इंडिविजुअल थ्री थ्री का नाम रख लेते हैं मोहन। अगर टैक्स मोहन पर लगा है तो सरकार किसको क्वेश्चन करेगी टैक्स जमा हुआ नहीं हुआ? सर मोहन को मोहन करेगी को, ना, क्या मेरी बात यस समझ सर। में आ रही है? और ऐसे ही रोहन ने अगर अपना जमा नहीं किया तो किसको क्वेश्चन करेगी? रोहन रोहन को। को तो यानी कि इंपैक्ट ऑफ टैक्स किस पर रहा है यहां पर? रोहन के ऊपर, मोहन के ऊपर। किस केस में? इनकम टैक्स के केस में। तो इनकम इस, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हेलो यस सर। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं आगे। दूसरा, सपोज करो गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स लगाया, सेल्स टैक्स लगाया प्रोडक्ट पर। फर्म क्या करती है? प्रोडक्ट को सेल करती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये है, ये रोहन ही है, ये है यहां पर सुनील, लिख देता हूं मैं। आई डोंट नो, आप में से किसी का नाम हो तो उसको माइंड नहीं करना, मैंने तो ऐसे ही आर्बिट्रेरी लिख दिया है। सुनील, ये रोहन है, ये मोहन है। अब सुनील ने इसकी दुकान से ये प्रोडक्ट खरीदा, परचेज किया। रोहन ने भी इस फॉर्म से ये प्रोडक्ट परचेज किया, मोहन ने भी इस फॉर्म से ये प्रोडक्ट परचेज किया। अब इस प्रोडक्ट पर लगा हुआ था सेल्स टैक्स। ना तो सुनील ने सेल टैक्स दिया इस फॉर्म को, ना रोहन ने दिया, ना मोहन ने दिया। ठीक है, या सपोज करो इन तीनों ने पे कर दिया, कुछ भी मान लीजिए। बट जो फॉर्म है, फॉर्म ने गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया है, तो ये जो गवर्नमेंट है ये सवाल फॉर्म से करेगी या सुनील से करेगी, बताइए? फॉर्म फॉर्म से से करेगी ना। तो यहां पर इंपैक्ट ऑफ टैक्स किस पर है? फॉर्म पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस इंपैक्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन किसके है भाई? आप और मैं तो सेल्स टैक्स नंबर नहीं लेते ना सामान खरीदने के लिए। सेल टैक्स नंबर किसके पास होता है? शॉपकीपर के पास। सर। मान लीजिए अब वैट हो गया है, जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी नंबर कौन ले रहा है? मैं और आप थोड़ी लेते हैं कि सामान खरीदने जा रहे हैं तो इंडिविजुअली जीएसटी नंबर ले जा रहे हैं अपना, है ना? यस सर। तो इसका मतलब जो ऑब्लिगेशन है, जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है, वो किसके ऊपर हो गया? फर्म के ऊपर। और यहाँ इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किस पर है? रोहन और मोहन के ऊपर। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई है? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स को समझते हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है। अब मान लीजिए सरकार ने रोहन से पूछा, तो क्या मोहन से ने इनकम टैक्स पे करना था, तो क्या मोहन किसी और के ऊपर बर्डन डाल सकता है इनकम टैक्स का? नो सर। ठीक है, तो एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करेगा? मोहन। एक्चुअल फाइनेंशियल पेमेंट कौन करेगा? मोहन। यहां इनकम टैक्स के केस में एक्चुअल फाइनेंशियल पेमेंट कौन करेगा? मोहन और रोहन। रोहन। तो इसका मतलब इस केस में, इनकम टैक्स के केस में, इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है एक्चुअल बर्डन ऑफ पेमेंट। कि आखिरकार एक्चुअल में किसकी जेब से पैसा गया है। तो इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों ही किसके ऊपर है? एक ही इंडिविजुअल के ऊपर है, यानी कि उसी इंडिविजुअल रोहन के ऊपर है। रोहन के ऊपर रोहन के इनकम टैक्स का है, मोहन के ऊपर मोहन के इनकम टैक्स का है। दोनों ही चीजें, इंपैक्ट ऑफ टैक्स भी और इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी। एम आई राइट? हेलो। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। बट यहां पर जब फर्म है,
तो ये फर्म ने क्या किया कि इस फर्म ने प्रोडक्ट सेल करना है। अब मान लीजिए अगर इस फर्म के ओनर को या इस फर्म को ऐसा लगता है कि अगर जो टैक्स मुझे 2 रुपए का सरकार को पे करना है वो टैक्स मैं जोड़ूंगा तो ये लोग मेरा सामान खरीदेंगे नहीं, सपोज कर लो, तो वो इनसे तो टैक्स लेगा नहीं। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? यस सर, वो क्या करेगा, अपनी जेब से टैक्स पे कर देगा, ठीक है। या जिम्मेदारी इसकी है टैक्स पे करने की, पर वो ले किससे रहा है, इन सब लोगों से, प्राइस में इनकॉर्पोरेट करके। दोनों ही काम कर सकता है ना, हेलो, यस सर, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ से टैक्स इनसे कलेक्ट कर रहा है और इनसे कलेक्ट करके ये गवर्नमेंट को आगे पास ऑन कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट का इम्पैक्ट ऑफ टैक्स तो इसके पास है, पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहाँ पर है, यहाँ पर। सुनील रोहन इंडिविजुअल्स कस्टमर्स के ऊपर। हाँ, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर है, कस्टमर्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो सेल्स टैक्स के केस में क्या हो गया कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इज ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यस सर, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इस केस में इसने शिफ्ट कर दिया बर्डन, जो बर्डन इसका था टैक्स पे करने का वो शिफ्ट कर दिया इसने किसके ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर, हेलो। यस सर, उसको बोलते हैं यस सर, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स टैक्स बर्डन, बर्डन, इज दैट ओके, यस सर, समझ में आपको। तो ये मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आगे अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनमें क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, लाइज ऑन सेम इंडिविजुअल। ठीक है, कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों ही एक ही इंडिविजुअल के ऊपर होते हैं, सेम उसी इंडिविजुअल के ऊपर होते हैं। और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे है, इज दैट ओके, हेलो, यस सर, समझ आ रहा है आपको। तो इसलिए जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर्स का, प्राइवेट एंटिटीज का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, तो इसमें जो हम स्टडी करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बजटरी पॉलिसी है, चाहे वो टैक्स को लेकर है, चाहे वो टैक्स को लेकर है, चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर है, वो दोनों को, दोनों ही केसेस में वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर रही है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया कि भाई जो हम हैं उससे, जैसे मान लीजिए यही डिसीजन है कि वैक्सीनेशन होगा सबका अब कोरोना वायरस के लिए, ठीक है, तो ये भी तो पब्लिक का ही डिसीजन है, हेलो, ये भी तो पब्लिक के ऊपर ही आएगा, जो उसका खर्च देगा वो कौन देगा, पब्लिक, गवर्नमेंट ही पे कर रही है ना, हेलो, यस सर, ठीक है ना। तो इसलिए जो इस तरह का एनालिसिस है, तो इसलिए पब्लिक का रिस्पॉन्स जानना जरूरी है, प्राइवेट एंटिटीज का रिस्पॉन्स जानना जरूरी है। इस तरह का जो एनालिसिस है जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, इसको हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि व्हाट इज, क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है ना, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए, ठीक है। बेटे समझ में आया है,
यस सर। ठीक है, उसके बाद अब आ जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सोशल पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस, व्हाट आर द सोशल पॉलिटिकल इंटो हिस्टोरिकल फोर्सेज दैट हैव शेप्ड फिस्कल इंस्टीट्यूशंस एंड दैट डिटरमाइंस फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये किस चीज़ का बिहेवियर है, अब इसमें हमने क्या स्टडी करना है, ध्यान से देखो। अब है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पॉजिटिव एनालिसिस, ये भी पॉजिटिव एनालिसिस का पार्ट। पॉजिटिव एनालिसिस का पार्ट का मतलब ये कि जो भी हम इंस्टीट्यूशंस आज हमारी इकोनॉमी में बने हैं, या जो भी लॉज या रूल्स रेगुलेशंस या बनते हैं, या किसी भी तरह के जो लीगल एंटिटीज एग्जिस्टेंस में आती हैं, उनके लीगल एग्जिस्टेंस में आने का जो मेन रीज़न है या मेन जो आधार है, वो आने का मेन आधार ये रहता है कि भाई मेन आधार ये रहता है कि भाई ऐसा है कि जो क्या कहते हैं, मेन आधार ये रहता है कि भाई हमारी इकोनॉमी में सोशल ग्रुप कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर कैसा है। दूसरा आधार ये रहता है कि भाई जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो किस तरह का है। तीसरा है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा। अब जैसे हम लोग एग्जांपल लें एग्रीकल्चर के लिए, अब ये जो एग्रीकल्चर में जो लॉ आ रहे हैं किसानों के लिए, इस पे आंदोलन हो रहा है अभी। हेलो यस स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है ना, तो इस पे जो आंदोलन हो रहा है, तो इस आंदोलन पे आप देखोगे तो तीनों ही सिनेरियो हैं। सोशल पर्सपेक्टिव किस लिए है, क्योंकि लोगों ने गवर्नमेंट को चुनकर भेजा है, सोसाइटी ने गवर्नमेंट को इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट कराया है, वोटर्स ने, कि भाई ये लोग हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस था डेमोक्रेटिक। और तो ये सोशल प्रेशर प्रेशर आ रहा है। अब पॉलिटिकल प्रेशर कैसा है कि गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट है, किस पार्टी की गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह से समाज को देखती है, लोगों को किस तरह से देखती है, पॉलिसीज को किस तरह से देखते हैं, वो उसका एनालिसिस हो गया। तीसरा है हिस्टोरिकल भी है, इसमें हिस्टोरिकली हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह की है। तो शुरू से ही हमारी इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी रही है, हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं शुरू से ही डिप्राइव रहे हैं, तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा वो भी तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होगा। यस और नो? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव एनालिसिस का पार्ट है। इसलिए क्या है, क्यों, क्योंकि इसमें सोशल पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल तीनों ही एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर वोटिंग सिस्टम है, जिस तरह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रन करती है, वो वोटिंग सिस्टम कितना किस तरह का है, वोट किस आधार पर दिए जाएंगे, वो हमारे डेमोग्राफी डिटरमाइन करती है। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जिस भी ज्योग्राफिकल एरिया में जिस तरह के लोग होंगे, जितना उनके अंदर एजुकेशन का सिस्टम होगा, जितना लिटरेसी रेट हमारा है, सर्वाइवल जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनमें कितनी समझ है, उनका डेवलपमेंट कितना हो रखा है, उसके हिसाब से वोटिंग होती है, उस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। और दूसरा जो वोटिंग होगी, तो ये है हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस। प्रोसेस तो यही मिलके तो डिटरमाइन कर रहा है,
कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह की रहेंगी, फिस्कल पॉलिसी कैसी बनेगी, फिस्कल इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे क्या नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? हेलो यस सर, स्टूडेंट्स ये समझ में आया है? इससे रिलेटेड जितना भी अब तक जो कराया है मैंने, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, आप में से कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। हेलो भाई, आप 31 स्टूडेंट्स मुझे दिखा रहा है, आप में से किसी ने अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो आज फिर हम इतना ही करते हैं, ठीक है? आज इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।